हाय गाइस, हम आज आपको सैमसंग का ये 33 5G अनबॉक्सिंग रिव्यू करके दिखाने जा रहा है। ये देख लीजिए, इसका फर्स्ट लुक बॉक्स इस तरह का आ जाएगा। ये 33 बॉक्स ओपन करते हैं। बॉक्स के अंदर आपको ऐसा खास बात कुछ नहीं है, देखने को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ फोन, सिम इजेक्टर और उसके अंदर टाइप सी का केबल देखने को मिलेगा, सी टू सी केबल। इसके अंदर चार्जर वगैरह कुछ नहीं आता, डब्बा कर इसके अंदर कुछ भी नहीं आता। अभी सैमसंग A22 का हम बूटिंग करने जा रहे हैं। ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, हमारा फोन बूट कर रहा है। ये आपको अभी ऑफर में बीचों बीच 25,000 तक आया था। ये देख लिए, बूट होने में थोड़ा लेट लेते हैं, एक्सिनस प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट होता है सैमसंग का फ़ोन बाकी फ़ोन कंपेरिजन के। इसमें इधर देख लीजिए, उधर तक आपको इसका बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया दिख रहा है इसका। एक पैड कैमरा के साथ आता है, बहुत शानदार दिख रहा है। हमारा फोन अभी बूट हो चुका है, ये देख लीजिए इसका डिस्प्ले। ये थोड़ा ओल्ड टाइप सा दिया हुआ है कंपैरिजन, अभी नए का डिस्प्ले कंपैरिजन किया तो थोड़ा पुराना जैसे लिख रहे हैं नॉच जैसे। ये देख लीजिए, इसका फिंगरप्रिंट बहुत नीचे दिए गए हैं, बाकी फ़ोन में पूरा आपको बीच में देखने को मिलेगा, ये बहुत नीचे दे गया है, थोड़ा दिक्कत वाले फील लग रहा है नीचे देने से। आपको इसमें डिस्प्ले 90 GHz का डिस्प्ले दे गया है सैमसंग ने, थोड़ा अच्छा प्रीमियम लग रहा है, थोड़ा अच्छा क्वालिटी दिया है, प्रीमियम लग रहा है। इसका कलर और ब्राइटनेस बहुत शानदार है, इसका कलर और ब्राइटनेस आप देख लीजिए, बहुत शानदार से लग रहा है कलर और ब्राइटनेस। इसमें आपको 90 GHz डिस्प्ले, सुपर एमोल्ड डिस्प्ले की दे गया है इसके अंदर, सुपर एमोल्ड डिस्प्ले। और डिस्प्ले का बेजल्स पूरा काफ़ी हद तक ओके है, थोड़ा बहुत इधर नॉच थोड़ा नीचे कर सकते थे, फिर भी बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी दिख रहा है। इसके अंदर हमें कैमरा का बात किया तो आपको 48 MP फ्रंट बैक कैमरा और एक अल्ट्रा वाइड एंगल का 8 MP दे गया है, और एक 5 MP का और एक 2 MP का दिया गया है। और इसमें आपको वाटर एंड रेसिस्टेंट भी देखने को मिलेगा, IP67 वाटर एंड रेसिस्टेंट दिया गया है। ये आपको इन हैंड फील बहुत अच्छा दिख रहा है। और A52s कंपेयर किया तो A52s 5G में थोड़ा हाई एंड में आया था, ये आपको थोड़ा प्रीमियम लग रहा है क्योंकि ये फिंगरप्रिंट कुछ नहीं लग रहा है। ये आपको पीच कलर में है, ये पीच कलर बहुत प्रीमियम लग रहा है आपको, ये फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं उसमें नहीं देखने को मिलता है, बहुत प्रीमियम लग रहा है इन हैंड। और मैट फिनिश के साथ दी गया है, और इसमें आपको एंड्रॉयड 12 ऑप्शन दे गए हैं इसके अंदर, दिखा देता हूँ आपको। एंड्रॉयड 12 ऑप्शन दे गए हैं इसके अंदर, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन आपको एंड्रॉयड 12, अभी एंड्रॉयड 13 भी अपडेट हो चुका है, UAE 4.1 था आपको रिलीज होने में, अभी आपको 5.0 UAE देखने को मिलेगा, इसलिए आपको बहुत स्मूथ आपको वो देखने को। आप बीच में गेम वगैरह खेलने को गए तो इसमें बहुत स्मूथ सा आपको बीच में प्ले कर सकते हैं, और हाई रेजोल्यूशन में आप गेम भी खेल सकते हैं इसके अंदर। और एक खास बात है ये फ़ोन का, आप कहीं भी डस्ट एंड वाटर में भी आराम से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। देख लीजिए, और मैं आपको अभी YouTube प्ले करके दिखाता हूँ इसका साउंड क्वालिटी कैसे है बोल के। इसमें आपको एक खास बात है, सैमसंग वाले ने यह बार 4 ईयर्स तक अपडेट दिया है
एक थोड़ा अच्छी बात बोलने को खुशी होता है। देख लीजिए अभी आपको वीडियो का क्लैरिटी कैसे देखने को मिलेगा। ये देखिए नीचे स्पीकर दे गए हैं इसके अंदर। एक्स्ट्रा ऐप बहुत आता है इसके अंदर, वो एंड्रॉयड ये सेटअप करने में एक्स्ट्रा ऐप बहुत है इसके अंदर। वो पूरा आप डिजेबल भी कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा ऐप अभी पूरा मोजो पूरा वगैरह बहुत बहुत है एप्लीकेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। वो पूरा मैं इरेज किया हूँ। सैमसंग में सेक्योर फोल्डर, सैमसंग शॉप, वो पूरा एप्लीकेशन। और इसमें मिनी पे भी दिए गए हैं। आपका एटीएम कार्ड, यूपीआई पिन वगैरह आपको करके यूपीआई भी कर सकते हैं आराम से। एटीएम और वैलेट आपको लेके घूमने का चांस नहीं रहता है। इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत हद तक बेटर है। स्पीकर नीचे दिए गए हैं, एमआई चार्जर दिए गए हैं। और आपको हम जो फोटो क्लिक करके दिखाया तो देख लीजिए, ये है वन एक्स का फोटो। अब देख लीजिए इसका शार्पनेस और क्लैरिटी, ये वन एक्स का फोटो है। और आपको ये 0.5 और ये देखिए ये वन एक्स जूम करके दे गया है। और ये पोर्ट्रेट मोड में फोटो निकाला गया है। ये शार्पनेस देखिए, या बैकग्राउंड पे इफेक्ट भी आपको इसमें चेंज कर सकते हैं। एक यूनिक फीचर्स है सैमसंग में। आप देख लीजिए बैकग्राउंड कैसे भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ये पूरा ब्लैक एंड हो गया है। ये देखो ये बहुत मेरा फेवरेट ये है। ये देख लीजिए ये आपको पूरा ऑब्जेक्ट आपको कलर में रहेगा, बैकग्राउंड पूरा ब्लैक एंड व्हाइट होकर रहेगा। एक छोटा सा वीडियो भी हम लिया है, देख लीजिए आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए इसका शार्पनेस और क्लैरिटी देख लीजिए आप। आपका जो भी शार्पनेस वो अच्छा क्लैरिटी दिख रही है, एच डी क्लैरिटी भी दिख रहा है। ये ओवरऑल अभी ये सैमसंग का आपको रिव्यू दूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से। और एक बात, आपको ये 25 वोल्ट चार्जर के साथ सपोर्ट होता है। इसमें आपको कौन सा भी चार्जर नहीं देखने को मिलेगा, ओनली केबल आते हैं। ऐसे धमाकेदार वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सब तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।